के साथ मैं आपको खुश आमदेद कहता हूं। और ये देखें जी, अभी तक मेरी ट्रेडिंग चल रही है, ये देखें माइनस में चल रही है, ठीक है। अभी ट्रेड मेरी माइनस में, एक $15 $3 माइनस में जा रही है। अभी सफर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मेरी ट्रेड इन 3 से 4 दिनों 5 दिन के अंदर टोटल कितने दिन कितने पैसे बनाती है। ये दूसरा अकाउंट है, इसमें जा रहा हूँ 20, और तीसरे अकाउंट से मैंने अभी तक कोई ट्रेडिंग की नहीं है, ठीक है। तो तीसरा अकाउंट अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया। और बाहर आप देखें स्नो पड़ी हुई है, और आज रात को भी काफ़ी स्नो पड़नी है। तो ट्रैकिंग में मैं ट्रेडिंग भी काफ़ी टाइम से 2-3 साल से कर रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ी प्रॉपर शुरू की है और मैं लॉस में जा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह सकता हूँ ट्रैकिंग में, मैं आप कहूँगी देखें जी मैंने इतना पैसा बना लिया, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल लर्निंग है, सीख रहे हैं और आस्ते आस्ते सीखते जाएंगे, और देखते हैं कि कितना कुछ सीख सकते हैं, कितना कुछ सीखेंगे। अभी अभी तक भी ये ट्रेड मेरी माइनस 18-19 पे जा रही है। कोई बात नहीं, आई होप ये पॉजिटिव में आ जाएगी। जितना टाइम मिलता है उतना करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। जी भाई सुबह हो चुकी है और अभी आपको रात ही लग रही होगी, सुबह के तकरीबन इस वक्त 6:48 है। और रात को मैंने आपको बताया था ये मेरा जो तीसरा अकाउंट था, इसमें देखें 45 की प्रॉफिट आया इसमें, ठीक है। ये देखें मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ भाई, इसमें प्रॉफिट आया 45 का। जो दूसरा अकाउंट था इसमें जो मैंने दिखाया था, 3 मैंने लगाए हुए थे, एक रात को लगाया था, $20 प्रॉफिट आया। जो मेरी पहली वीडियो जब मैं निकला था तो उस वक्त 2 लगे हुए थे, एक में 16 और एक में 7। तकरीबन अभी तक मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ, ठीक है जी। और आज 7 तारीख है, डेट आपके सामने, ये 7 तारीख का प्रॉफिट है। दो पीछे वाले, ऊपर वाला 8 तारीख का है, ये भी आज 8 है। और ये रात को मैंने आपको दिखाया था तीसरा अकाउंट, जिसमें 299 बैलेंस था, $2,099, इसमें 45 का प्रॉफिट आया। और ये 8 तारीख आज सुबह देख लें टाइम, 6:21 को ये पिक हुआ है सुबह सुबह, और टाइम आपके सामने। तो अभी दिन का टाइम होगा, तो दिन को तो कोई ट्रेडिंग नहीं होगी, गहरी बात है मैं ट्रक में हूँ। तो इसमें एक तुक्का लगाया जा सकता है, तुक्का लगा के कि मैं कोशिश करूँगा कि कोई नीचे से कुछ $700-800 नीचे से कुछ पिक लगा देता हूँ। अगर दिन को तुक्का लग गया तो ठीक है, वरना शाम को देखेंगे क्या होता है। ये ट्रेडिंग तो चलती रहेगी। ये देखें ये बाहर की हालत, ये लेक देखें, ये पूरी लेक जो है स्नो बन चुकी है, और मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, ये आपको अंदाजा हो गया कितनी लेक है यहाँ पे दाएं बाएं। इस वक्त जो ये लेक है स्नो पड़ रही है, बाहर आप लेक देखें, लेक पूरी बर्फ बन चुकी है। अभी ये फिर भी सॉफ्ट है, ये शायद 15 दिन बाद यहाँ ऊपर जो है ना स्केटिंग होना शुरू हो जाएगी और ऊपर कैंप लग जाएंगे, मतलब इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। आप अंदाजा कर लें, ये साथ में ट्रेन का ट्रैक भी जा रहा है, इस वक्त हिल एरिया में है, ये सारा देखिए हिल है। स्नो देखें जी, रोड कहाँ है, रोड है ही नहीं, रोड गया भाई। ऐसे भी ड्राइविंग करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं है ट्रैकिंग। देखो रोड नजर ही नहीं आ रहा, बस हल्के हल्के चलते रहो, स्लो 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 स्लो। भाई इस वक्त ट्रक रोक दिया, बहुत हैवी स्टॉर्म है, ये आपको शायद इतना नज़र ना आ रहा होगा, लेकिन आगे जहाँ पे आगे देखेंगे लाइट्स के बाद, ये आपको नज़र आया कितना हैवी स्टॉर्म चल रहा है इस वक्त, बहुत एयर है और स्नो है। और यहाँ पे मैंने ट्रक लगा दिया है, लेकिन अभी तो लगा दिया, लेकिन सुबह निकलेगा नहीं निकलेगा ये इसका अंदाज़ा मुझे पता नहीं है, लेकिन बट एटलीस्ट सेफ साइड पर लगा दिया। बाकी सुबह अगर नहीं निकलेगा तो फिर रिकवरी बुलाएंगे, लेकिन अभी लगाना बहुत जरूरी था। ये ट्रक लगाते हैं ना, तो मैंने इसको क्या किया है, 10 दफा आगे पीछे कर दी, जगह बना दी है, लेकिन अब सुबह तक कितनी स्नो पड़ेगी इसका अंदाजा नहीं है। और ये स्नो कल रात तक चलनी है, और सुबह उठ के देखेंगे भाई क्या मसला बनेगा या क्या होगा। अभी ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग। निकला ट्रक से बाहर, अब देखें, अब अंदाजा हुआ कितनी स्नो पड़ रही है, बहुत हैवी स्नो है भैया, तेज हवा के साथ शांत हो भाई, सीधा चला नहीं जा रहा भाई, टी मॉटर से चाय लेनी है। ये देखें बाहर अल्लाह चेक करें, ये साथ में जो ट्रक लगा हुआ था वो बेचारा का स्लिप हो गया है, तो वो पीछे लगा है, पीछे बॉडी टूट गई उसकी बेचारे की। तूफान देखे ना, कितना हैवी तूफान आया हुआ, चेक करें, ये हाथ पत्थर के हो गए भाई।
जी भाई, रात को तो बहुत स्नो पड़ी है, अभी स्नो रुक गई है, लेकिन ये देखें, ये सुबह सूरज ही निकला हुआ, अभी रात शाम ही सुबह ही है। मैं ये आपको ट्रक दिखा देता हूँ, पीछे ये देखिए ट्रक की हालत, ऊपर भी देखिए क्या हालत हुई है। और ये ट्रक जो एक्सीडेंट हुआ है, ये देखें, ये बेचारा स्लिप कर गया था, इसकी हालत आप देख रहे हैं पीछे से क्या हुआ इसका। और हर तरफ ये देखे पाँव, पूरे 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 पाँव अंदर जा रहे हैं, स्नो देखे सब तरफ वाइट है। और ट्रक की हालत आप देख लें, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हुई है। ये नजर आ रहा आप लोगों को, देखिए हर चीज जो है ना जम चुकी है, देखे नीचे। और आगे भी यही हालत है। बहरहाल अभी सुबह होती है, तकरीबन 7:30-8 का टाइम है, और अभी बस निकलते हैं, देखते हैं। चलिए जी सफर शुरू करें, बाकी फिर बाद में। जी भाई, बाहर स्नो बहुत ज्यादा है और आपको सारा दिखाया मैंने बाहर। अभी सफर स्टार्ट करना है, अभी 4 से 4.5 घंटे का सफर बाकी है। और ट्रेडिंग जो है मैं एक की हुई है, मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे नेट भी बहुत स्लो था जिस जगह पे मैं हूँ, मैं नॉर्थ साइड पे हूँ, नॉर्थ साइड पे स्नो ज्यादा पड़ती है और नेट की स्पीड भी कम होती है। तो चले मैं आज रात को या कल आपको सारा वो जो अपडेट है ट्रेडिंग की वो भी सारी बताता हूँ। क्या हालत देखें, अब ये साइकिल पे हाईवे के ऊपर साइकिल चला रहा बंदा और स्नो में, यार क्या बोले बंदा इनको। देखिए जी, फूल दोबारा बरसने शुरू हो गए हैं और हर तरफ वापस फिर फूल ही फूल हो गए, वाइट फूल है, आपको नजर आ रहे होंगे ये, यहाँ से देखें। और सर्दी तो इतनी ज़्यादा नहीं है इस वक्त, टेम्परेचर -5-6 होगा, लेकिन स्नो दोबारा शुरू है और काफ़ी तेज़ स्नो हो रही है, हर तरफ उसने वाइट कर दिया, मेरा मुंह भी देखें उमदा वाइट हो चुका है। भाई पिकअप के लिए आए और पिकअप ढूंढ रहे हैं, देखते हैं कब मिलती है पिकअप। भाई आज 11:30 हो गई है और अभी जो मेरी लास्ट ट्रेड चल रही है वो माइनस में चल रही है, ठीक है। लेकिन आज सुबह की जो ट्रेड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सुबह की आज 11 तारीख की मेरे जो है 1, 2, 3, 4, 5 ट्रेड है। 111 भी आया, 0.67 भी आया, 55 भी आया, 24 भी आया, 7 भी आया, लेकिन ओवरऑल अभी माइनस में 81 में जा रही है। अच्छा, ये तो ये एक झटका हो गया, दूसरा झटका ज़रा ख़तरनाक है। दूसरे झटके में ये है कि ये 320 माइनस में जा रही है जी। तो ये देखें, डेट आपको मैंने बता दी, ये भी आज की डेट है, लेकिन अभी इसमें माइनस पे चल रहा हूँ। आई होप कि सुबह मार्केट अप जाए और ये मेरा ट्रेड फुल अप हो जाए। देखिए हर रोज़ प्रॉफिट में, प्रॉफिट तो अभी भी प्रॉफिट में हूँ, लेकिन ये चीज़ होती है ट्रेड में जी। डेट आ चुकी है 13, ठीक है, और मैंने कुछ प्रॉफिट एक दो और बनाए थे, 13 तारीख को एक प्रॉफिट बनाया, लेकिन ओवरऑल आप देख रहे होंगे ये मैं माइनस में जा रहा हूँ, 994, मतलब प्रॉफिट के बाद ये देखें 1000 हो गया, ठीक है, 1000 मैं अभी फ़िलहाल माइनस में जा रहा हूँ। ये कोई बात नहीं, 1000 कमाया भी है, माइनस भी जाता बंदा, ये ट्रेडिंग है। देखिए ट्रेडिंग भी साथ साथ चल रही है और ट्रिप मेरा क्लोज हो चुका है, मतलब एंड हो चुका है, ट्रेलर ड्रॉप कर दिया। देखें मैं अब ट्रेडिंग वाले के पास, देखें मुझे ट्रेडिंग का कितनी आता है, सिर्फ ट्रेडिंग का मुझे बेसिक आती है अभी, मुझे ज़्यादा ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन ट्रक के अंदर आपके पास कुछ ना कुछ काम करना चाहिए हर बंदे को। अब ट्रकिंग में हमारे पास टाइम कम होता है, शॉर्ट टाइम होता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ, चलो ट्रेडिंग आ रही है तो चलो यही करते हैं, मसला नहीं है, थोड़ा सा इसको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे मुझे सिर्फ बेसिक पता है, लेकिन बहुत से लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है इस ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है। पॉइंट इज दिस कि अगर आप थोड़े से समझ के करते हैं तो आप काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिल जाता है, लेकिन फाइनली कोई भी बंदा इसको हर चीज़ को 100% नहीं समझता। अगर समझेगा तो वो तो मिलियनेयर हो जाएगा, तो ये प्रॉफिट लॉस इसी के साथ चलता है, ठीक है। लेकिन अभी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ मिलते रहेंगे जी, थोड़ा मैं शर्ट भी सेट कर लूँ, इसके साथ आपको मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये व्हाट्सअप का लिंक आपके पास आ जाएगा, आप व्हाट्सअप में ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और बातें करेंगे। लेकिन कोई भी जो अगर ट्रेडिंग करना चाहता है, सीखना चाहता है, वो अपनी मर्जी से करे, मेरे पास ऐसा कोई जादू नहीं है, ठीक है। मैं अपने हिसाब से ट्रकिंग कर रहा हूँ और साथ में ये कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे अगर ट्रेडिंग इतनी अच्छी आती हो तो ट्रकिंग क्यों करता, तो भाई ट्रेडिंग इतनी अच्छी नहीं आती, सीख रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी सीख रहे हैं, कुछ सीखते रहेंगे। चलें जी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, जहाँ तक हो सके बात करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, बात ज़रूर करेंगे,
और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।